मुसलमान हो करके ये लुक क्रिएट की है, ये तो हिंदू लग रही है। और आप इसके घर में पूजा पाठ भी होगा ऐसा कहा मुझे कुछ लोगों ने। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो लोग भी छुपके ही बोलते हैं, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। वैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो बहनों देखो, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग जज करने वाले होते कौन हो। पहली बात कि सोशल मीडिया पर देख करके आप जज कर लिए। ये मेकअप मैं इसलिए क्रिएट की क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और फेस्टिवल सीजन चल रहा है और ये लुक क्रिएट करने से मेरा बिजनेस रन करेगा, इस वजह से मैंने ये काम किया और मैंने कोई भी लुक क्रिएट किया। और इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ कि नहीं पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ कि नहीं, मैं अल्लाह को नहीं मानती हूँ, या फिर जो भी आप लोग सोच रहे हो ये आपकी अपनी सोच है। और ये इतनी घटिया सोच को पहले अपने आप जा करके फिक्स करके आओ, फिर मेरे पास आना या फिर छिप करके बोलना। छिप करके बोलने वाले को क्या बोलते हैं ये सारे लोग जानते हैं और तुम भी जानती हो, जानती हो, जानते हो, जो भी बोल रहे हैं बकवास चीज़ें उन लोगों के लिए। तो बहनों मेरा आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो गया है, ऐसे हेटर्स की निगेटिविटी वाली नज़र लग लग के मेरा जो है मेरी तबीयत ख़राब हो गई है इस वजह से। तो बाकी जो सपोर्टर्स हैं मैं उन लोगों को नहीं बोलना चाहूँगी, वो लोग मेरा सपोर्ट करते हैं और वो लोग हमेशा सपोर्ट करेंगे। और ऐसे लोगों को मैं दूर से टाटा बाय बाय करती हूँ और एक पंच मारती हूँ उन लोगों के मुंह पे, क्योंकि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है और मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ इंटरफेयर ना करें और मेरी वीडियोज़ ना देखें और अनसब्सक्राइब करके प्लीज़ यहाँ से चले जाए और दफ़ा हो जाए। और हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरी आवाज़ बैठ चुकी है तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ और बोलने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरी जो भी व्यूवर्स हैं, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त, मेरे भाई बहन, जो भी देख रहे वीडियो, सारे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई है। कुछ हेटर्स ने मुझे इतनी कड़ी नज़र लगा रखी है कि मैं क्या ही बताऊँ। और फिर मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी का मेकअप लुक आप लोग देखो। इससे मैंने आया पहले हेयर सेव किया और फिर मैंने आइसिंग की ताकि ये मेकअप लुक लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, क्योंकि कुछ लोग गरबा खेलती हैं बहनें तो उसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो ये स्वेट प्रूफ मेकअप भी है और इस मेकअप लुक में हम बिना फाउंडेशन के मेकअप किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये के कंसीलर पैलेट से और 5 रुपये के काजल से हम स्मोकी आइज किए, जो कि सारे सेलिब्रिटीज़ करते हैं और वो बहुत क्विकली हो जाता है इस वजह से किए, क्योंकि झटपट से तैयार होना रहता है। और ये मैच्योर स्किन पर होता है क्योंकि इसमें ग्लिटर्स यूज़ नहीं किए मैंने आईलिड पर, ग्लिटर्स सिमर्स कुछ भी यूज़ नहीं किए मैंने आईलिड के ऊपर, क्योंकि मैच्योर स्किन पर ये अच्छे नहीं लगते इस वजह से। और ये सारे सेलिब्रिटीज़ भी करते हैं, आप लोग प्लीज़ देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा, इससे आप लोगों का प्यार पता चलेगा मुझे। और इसमें मैंने हेयर और बहुत सारे हैक्स भी बता रखे हैं, तो आप लोग जाइए और देखिए बैठ करके मेरे मेकअप लुक को। और चलती हूँ, अब मेरे से इतना ही बोला जाएगा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा भाई बहनों जो भी देख रहे हैं। थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।